हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, पता नहीं। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। क्या नाम है आपका? सर मनोज शर्मा। अच्छा, मनोज शर्मा नाम है। कहाँ के रहने वाले हाँ हैं? जी सर, जम्मू जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर के रहने वाले। किस पोस्ट पे हुआ आपका हाँ सर, सिलेक्शन? सर सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में हुआ है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री सेना है। बहुत अच्छा। और बताइए, और मम्मी पापा कैसे हैं? घर में खुश हैं? ठीक है सर। सभी लोग तो खुश होंगे। हाँ सर, चलिए, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने सीआरपीएफ में सिलेक्शन लिया। हाँ थैंक यू सर। हाँ, और ये चीज आपका कौन सा ये अटेम्प्ट रहा? सर ये सेकंड था सेकंड था, पहली बार नहीं हुआ? सर, पहली बार हो गया था। मैंने वो कैटेगरी लगा दी थी, उसमें तो बाद में कैटेगरी बन बन नहीं पाई थी मेरी, तो इस अच्छा वजह अच्छा से अच्छा मेडिकल देने नहीं गया था मैं पिछली बार। अच्छा कैटेगरी लगा दी थी, मतलब कैसी? मतलब ये जब फॉर्म लगाया था तब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लिख दिया था मैंने, और जब अच्छा मेडिकल अच्छा था फिर ईडब्ल्यूएस बन नहीं पाया, अच्छा ईडब्ल्यूएस बन नहीं पाया। हाँ, तब तो दिक्कत हो तो जाता। कोई इस बात बार नहीं। जनरल में लगाया था। अच्छा, इस बार जनरल में भरे हो गया। अच्छा, चलिए चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कितने कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे? सर 2 महीने की तैयारी की थी। अच्छा, सिर्फ 2 महीने तैयारी किए थे? अच्छा हाँ सर। अच्छा डेली कितने घंटे पढ़ते थे? सर डेली कोई 6 घंटे डेली। 6 घंटे। चलिए हाँ बहुत सर, अच्छे। हाँ चलिए, 2 महीने, 2 महीने ही मेहनत किए, 6 घंटे पढ़े, सिलेक्शन हो गया फाइनली। कोई बात नहीं। अगर और थोड़ा सा आप मेहनत किए होते तो और अच्छी पोस्ट आपको मिल गई रहती। हाँ सर, फर्स्ट प्रेफरेंस थी एसएसबी, तो उसका मेरिट थोड़ा ज़्यादा चला गया, उसमें नहीं आ पाया। अच्छा, एसएसबी आपने पहला प्रेफरेंस रखा था, हाँ सेकंड सीआरपीएफ। सेकेंड सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ आपको मिला? हाँ, थोड़ा सा मेहनत किए होते तो आपको एसएसबी भी मिल जाता। कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पापा क्या करते हैं आपके? सर फार्मर ही है। अच्छा फार्मर है। मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ। अच्छा हाउसवाइफ है। चलिए मम्मी और पापा दोनों लोगों को प्रणाम बोलिएगा मेरे तरफ से, ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने सीआरपीएफ में सिलेक्शन ले लिया है फाइनली, तो इसे एंजॉय करिए, खुशियाँ मनाइए, मम्मी पापा का सेवा करिए, ठीक है, कहना मानिए। हाँ ये चीजें हैं। और पिताजी को बोलिए नौकरी हो गई है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाँ ठीक सर, है? हाँ ठीक है सर। तो हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जो लड़के अभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आने वाली फिर से एक बार वैकेंसी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए? ऑनलाइन बैच लिया तो ठीक रहता थोड़ा। हाँ अच्छा, बैच लिए रहते तो थोड़ा सा ठीक रहता। बैच में ये होता है तब, कि एक जगह मैथ्स मिल जाता है, रीजनिंग मिल जाता है, हिंदी, जीएस, हाँ सारी चीजें एक जगह मिल जाती है, जूडियो भटकना नहीं पड़ता है। से क्या कह रहे हैं? आवाज आपकी ब्रेक हो रही। मतलब यूट्यूब से अलग अलग ढूंढना पड़ता है इन सब क्लासेस को फिर। हाँ, यूट्यूब से ढूंढना पड़ता है। वैसे यूट्यूब पे भी मैटर पूरा रहता है, यूट्यूब पे भी मैटर पूरा रहता है। हाँ अभी हाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब से भी पढ़ के अच्छा किए हैं, एसएसएफ मैन सीबी में हाँ सर। सिलेक्शन लिए हैं, 140 नंबर, 150 नंबर। बैच वाले में क्या होता है कि एक जगह सॉलिड मैटर मिल जाता है और कुछ दिन अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं, ये चीज़ है। चलिए, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कितने घंटे पढ़ना चाहिए डेली? जी मतलब डेली 6 घंटे तो डेली पढ़ना ही चाहिए नॉर्मल। हाँ हाँ, नॉर्मली 6 घंटे पढ़ना चाहिए। हाँ 6 घंटे, छह हाँ 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मतलब 1 घंटा कोई प्रैक्टिस सेट लगा लें और 5-6 घंटे ऐसे पढ़ लें। हाँ प्रैक्टिस सेट लगा ले। हाँ ये चीज है, प्रैक्टिस सेट लगा ले, मॉक टेस्ट लगा ले, तो उसे उसे हाँ काफी फायदा मिलेगा उन्हें, ये चीज है। चलिए बहुत ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप एक चीज कह रहे हैं मनोज जी, आप वो कर दीजिएगा, अपना फोटो जरूर भेज दीजिएगा हम लोगों को, जिस नंबर से आपसे बात हुआ है उस पे। हो सके तो आप मम्मी पापा के साथ फैमिली फोटो जरूर भेजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक सर है। देखूंगा। हाँ, और अपना एड्रेस भी भेज दीजिएगा। जो बच्चे एसएससी ठीक है जीडी ठीक में, एसएससी मेकर से पढ़ के सिलेक्शन लिए हैं, उनके लिए हम लोग कुछ खास गिफ्ट भी देने वाले हैं, तो आप ठीक एड्रेस है सर। जरूर भेजिएगा। और आप जल्दी से आप ज्वाइन करिए, उसके बाद से वर्दी पहनिए। फिर मिलने आइए, ठीक है? सर इसी मंथ में ज्वाइनिंग है इसको, 26 को इसकी। अच्छा, इसी मंथ में ज्वाइनिंग है। कितने हाँ तारीख को? 26 को, 26 को ज्वाइनिंग है। 26। 26 को? हाँ अच्छा, 26 को, 26 को ज्वाइन करिए, उसके बाद वर्दी वाला आप फोटो भेजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक है सर।
हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा। और जो भी बच्चे आपके जानने में सीसी मेकर से पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं उन्हें भी जरूर बता दीजिएगा। कि गूगल फॉर्म भर दें, अजय सर बात करेंगे उनसे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और आप आगे भी हम लोगों से जुड़े रहिएगा, ठीक है? आगे भी हम आपको गाइड करेंगे, आपको आगे और कैसे बढ़ना है, ठीक है? हाँ ठीक है, ये चीज हम आपको ठीक आगे है सर, गाइड करते रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप जीवन में से ही आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, वो बहुत बहुत धन्यवाद।